हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले बहुत टाइम पहले ही मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में कुछ बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ देख लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये है आपका नेक्स्ट जो है ओलिगोपोली मार्केट, कि मार्केट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपटीशंस। कंपटीशन के अकॉर्डिंग मार्केट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देन जो थर्ड टाइप्स का मार्केट है अपना, वो आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में जो वर्ड होता है वो टू वर्ड से मिल करके बना होता है, ओलिगी प्लस पोलन्स। ये दो वर्ड होते हैं, इनसे ये ओलिगोपोली मार्केट जो है वो क्रिएट हुआ। तो ओलिगी मीन्स होता है फ्यू, कुछ, सम, एंड पोलन मीन्स सेलर। पोलन मीन्स सेलर, तो इस वर्ड का जो अर्थ हुआ वो हुआ फ्यू सेलर। तो ओलिगोपोली इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटीज आर अवेलेबल और फ्यू प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटीज आर अवेलेबल। तो ये वो बाजार होता है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज के फ्यू सेलर ही अवेलेबल होते हैं, उस मार्केट को हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। ये बीच की सिचुएशन है परफेक्ट कंपटीशन की और आपके मोनोपोली की मिड की सिचुएशन है। मोनोपोली में ओनली वन सेलर होता है और परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज स्केल पर सेलर होते हैं, तो इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं। तो ये एक इम्परफेक्ट तो जो मार्केट है उसका एक टाइप है ओलिगोपोली, डियोपोली आगे देखोगे आप। तो ओलिगोपोली जो है वो इम्परफेक्ट जो मार्केट होता है उसका एक टाइप होता है एंड इट इज़ द सिचुएशन ऑफ मीडियम्स। आपके परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के बीच की सिचुएशन है, जहाँ परफेक्ट में लार्ज स्केल के सेलर है और मोनोपोली में ओनली सिंगल है। यहाँ पर आपके फ्यू सेलर्स जो है वो अवेलेबल है। तो फ्यू सेलर्स आर अवेलेबल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटीज टू प्रोड्यूस और फ्यू सेलर्स, जो पर्टिकुलर कमोडिटीज इज प्रोड्यूस बाय फ्यू सेलर्स की, इस मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को फ्यू सेलर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। और एक ये इम्परफेक्ट मार्केट जो होता है उसका एक टाइप्स होता है एंड एवरी सेलर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई एंड प्राइस। बट इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि हर सेलर्स जो होता है, एवरी सेलर इन्फ्लुएंस यस प्ले एक सिग्निफिकेंट रोल इन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस पर भी जो है वो किसका रोल होगा, सभी का होगा, और सप्लाई पर भी जो पावरफुल रोल होगा वो सभी सेलर्स का होगा। इनकी सिग्निफिकेंट रोल होगा, पावरफुल रोल होगा, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। तो हर सेलर की इम्पोर्टेंस है। जैसे देखिए, ये आपकी पूरी इंडस्ट्री है, इसमें से जो है वो फ्यू फर्म्स जो है एटलीस्ट वही है, ये जो है इस मार्केट में फ्यू में आ गया, 5, 4, 3 कुछ भी होगी, फ्यू फर्म्स जो है ये आपकी पूरी इंडस्ट्री है और ये आपकी फर्म है और ये पूरा जो हो जाएगा वो ओलिगोपोली मार्केट हो जाएगा। तो हर मार्केट जो है ए बी सी डी ई, ये जो है तो हर फर्म जो होती है एक पावरफुल रोल प्ले करती है, किसको लेकर के, प्राइस को लेकर के और सप्लाई को लेकर के। सप्लाई में भी इसका सिग्निफिकेंट और पावरफुल रोल होता है। अब इसके जो एग्जांपल्स वो है जैसे हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो फ्यू सेलर्स हैं। उसके बाद है आपका हैवी टूल्स इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो ये इसके पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल है ओलिगोपोली मार्केट के। अब लेफ्ट विच ने इसको डिफाइन किया है कि व्हाट डू मीन बाय ओलिगोपोली अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच, कि दोज कंडीशन ऑफ मार्केट आर नोन एज ओलिगोपोली, कि मार्केट की वो कंडीशन ओलिगोपोली के नाम से जानती है, इन विच द नंबर ऑफ सेलर इज टू मच लो, जिसमें नंबर ऑफ सेलर जो होते हैं वो टू मच लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। सेलर इज टू मच लो और दैट वंस एक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स एंड वन एक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर, वन एक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर एंड वन एक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर। तो मार्केट की वह कंडीशन ओलिगोपोली के नाम से जाएगी जहाँ फ्यू सेलर्स हो, पर्टिकुलर कमोडिटीज के हो और उनका हर का एक्शन जो होता है वो दूसरे के लिए जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है या इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। तो ये थी आपकी लेफ्ट विच के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। अब होती है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्यू सेलर्स, कि इसमें जो है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज के फ्यू सेलर्स होते हैं एंड एवरी प्रोड्यूसर इज इन पोजीशन ऑफ अफेक्ट पॉलिसी एक्टिविटी प्राइस ऑफ इंडस्ट्री, कि फ्यू सेलर्स अवेलेबल है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कुछ ही सेलर्स जो है वो अवेलेबल थे, बट हर सेलर्स की जो कंडीशन थी ए बी सी डी ई, हर सेलर की जो कंडीशन है या पोजिशन है वो पॉलिसी को भी अफेक्टेड कर सकता है, इनके सभी के एक्शन को भी अफेक्टेड कर सकता है और प्राइस क्या होगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसमें भी अफेक्टेड जो है, उसमें भी इसका पावरफुल रोल होगा। तो हर सेलर की पोजीशन
स्ट्रॉन्ग लेवल पर होगी। उसके बाद होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट। इट मे बी पॉसिबल कि प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मीन्स कलर, शेप, साइज, क्वालिटी, मतलब सब में सेम हो। होमोजीनियस का मतलब होता है लगभग, मतलब समरूप, एक ही जैसी कमोडिटीज जो है वो। इट मे बी पॉसिबल कि इस पूरी इंडस्ट्री में सेम कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाए। अगर सेम कमोडिटीज का प्रोड्यूस किया जाता है, सेम टाइप, क्वांटिटी, कमोडिटी जो भी है, पिंक देन पिंक, वाइट देन वाइट, पैकिंग, कलर, लेबलिंग सब बिल्कुल सेम हुआ, देन इट इज नोन एज प्योर ओलिगोपोली। तो उसको हम कहेंगे प्योर ओलिगोपोली के नाम से जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका होमोजीनियस ओलिगोपोली। इट मे बी पॉसिबल कि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, मतलब ऐसी कंडीशंस भी हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए हो। डिफरेंस लिए हुए होगा तो इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ओलिगोपोली, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो प्योर हुआ, सेम हुआ, होमोजीनियस हुआ, देन इट इज नोन एज प्योर ओलिगोपोली। डिफरेंशिएशन हुआ, देन इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ओलिगोपोली। अब डिफरेंशिएशन किस में हो सकता है? इट मे बी पॉसिबल कि क्वालिटी को लेकर के वो कोई चेंज कर दे, कि आपकी क्वालिटी जो है वो अलग हो, आपका पैकिंग का स्टाइल अलग हो, इट मीन्स आपका ब्रांड अलग हो, ट्रेडमार्क हो, किसी न किसी स्टाइल से आपकी जो कमोडिटी होगी वो किसी दूसरे से डिफरेंशिएशन ली होगी, इसकी इससे इसकी, ये सब के प्रोडक्ट जो होंगे वो एक दूसरे से क्वालिटी क्वालिटी को लेकर के, पैकिंग को लेकर के, ब्रांड को लेकर के, ट्रेडमार्क को लेकर के जो है वो अलग अलग होंगे। ये इस मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशंस। इस मार्केट में एडवर्टाइजिंग प्ले अ पावरफुल रोल टू इंक्रीज सेल्स ऑफ ए प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर को इंक्रीज करने में एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स होता है वो हाई होता है। सेल प्रमोशन की जो सिचुएशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसी के बिहाफ पे पूरे मार्केट में एक गेम जो है वो प्ले किया जाता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। तो इसमें जो होगा आपके, इसकी डिजाइन, अब ये किसको लेकर के ऐड कर सकते हैं आप अपने डिजाइन, इनोवेशन, क्रेडिट और रिसर्च, मतलब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज ला सकते हो। इट मे बी पॉसिबल आपने डिजाइन में चेंज कर दिया, इट मे बी पॉसिबल आपने कुछ इनोवेशन लिया, इट मे बी पॉसिबल कि आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, इट मे बी पॉसिबल कि आपने आपके प्रोडक्ट में कुछ न्यू रिसर्च कर लिया। तो यहाँ पर ये चांसेस हैं आपको आपके प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट बनाने के। और एडवर्टाइज बिकम द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ पर इस मार्केट में एडवर्टाइज जो होता है वो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क हो जाता है जहाँ लाइफ और डेथ दोनों आपकी टिकी हुई होती है। आप जिंदा रहोगे तो एडवर्टाइज के बिना, और अगर आपने एडवर्टाइज नहीं किया तो हो सकता है आपकी फर्म मर जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगी। जो किसी राइटर ने कहा है ये कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ, की ये लाइफ और डेथ का क्वेश्चन होता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर क्या होता है, सब एडवर्टाइजमेंट में जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो आपका इसमें होता है। उसके बाद होता है इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ये आपकी फर्म्स है, देन दीज ऑल फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर। यहाँ कोई भी अपने आप को फ्री नहीं बोल सकती, डिपेंडेंट नहीं बोल सकती। इस मार्केट में जितनी भी फर्म जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, These are the interdependent to each other. हर बात के लिए उनको एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो कार्ड्स का प्ले जैसे आप करते हो कि दूसरे की चाल पर नजर रखो, तो यहाँ पर वही टेक्निक्स होती है कि ये सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, इनको अपने घर में देखने की फुर्सत नहीं है। तो ये जैसा कार्ड का प्ले उसी में होता है कि दूसरों की पॉलिसी को देखो फिर चेंज करो उसके अकॉर्डिंग। तो इंटरडिपेंस द चेंज ऑफ द वन फर्म इन प्राइस एंड आउटपुट क्वालिटी डायरेक्ट अफेक्ट टू द प्रॉफिट ऑफ अदर्स। अगर एक ने किसी में भी चेंज किया, सपोज कीजिए इसने प्राइस में चेंज किया, आपकी क्वालिटी में चेंज किया, आपकी क्वांटिटी में चेंज किया, किसी में भी चेंज कर दिया, देन इट इज अफेक्टेड द प्रॉफिट ऑफ अदर। इसने प्राइस कम किया तो इसकी सेल इंक्रीज होगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक फर्म की जो भी पॉलिसी होती है वो डायरेक्टली दूसरे को अफेक्ट करेगी, दूसरे के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, तो आप फिर वापस उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे तो यहाँ पूरे मार्केट में जो है वो चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है रिवाइलरी। यहाँ जो होती है ये एक दूसरे के रिवाइल होती है, अगेंस्ट होती है, मतलब इनकी क्रूर दृष्टि एक दूसरे पर रहती है। यहाँ किसी स्टाइल की कोई फ्रेंडशिप जैसा कोई नजर नहीं आता है। तो फर्म्स है रिवाइलरी, सारी फर्म्स एक दूसरे के रिवाइल होती है, अगेंस्ट रहती है,
ऑब्जर्वेशन फास्ट होता है इसमें, तो इस वजह से फर्म ये क्या करती है, इस रिवाइल से बचने के लिए फर्म्स गेट यूनाइटेड, कभी कभी फर्म्स जो होती है कुछ फर्म्स यूनाइटेड हो जाती है और ऑर्गेनाइज वे में पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ ये कंडीशंस भी है कि आपने आप अगर ऊपर चढ़ रहे हो तो मैं आपका पांव जरूर पकड़ूंगा आपको नीचे लाने के लिए, ये कंडीशन। आपने प्राइस में क्या, मैं और ज्यादा करूंगा, दूसरा और करेगा तो तीसरा और तीसरा और करेगा। उसके बाद है प्राइस रिजिडिटी, ये भी एक सिचुएशन है कि जो कमोडिटी होती है उनके प्राइस में जो है वो रिजिड हो जाते हैं, प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर के, कि पर्टिकुलर लेवल पर जाकर के आपके यहाँ प्राइस में किसी स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं होगा, प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे ए फेयरली लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए, और डिमांड और सप्लाई भी उसको अफेक्टेड नहीं करेंगे। जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि व्हाट इज प्राइस रिजिडिटी, कि इसमें क्या होता है, ऐसी इसकी एक क्वालिटी होती है कि सम टाइम्स प्राइजेस नोट चेंज, या लॉन्ग टाइम प्राइस आर नोट चेंजेस, प्राइस आपके कभी चेंज, इसमें कुछ समय के लिए आपके प्राइस जो है उनमें बदलाव नहीं आएगा। इट मे बी पॉसिबल आपके डिमांड चेंज हो जाए, इट मे बी पॉसिबल आपकी सप्लाई चेंज हो जाए, बट आपका प्राइस लेवल जो है वो सेम कंडीशन पे कांस्टेंट रहेगा। जहाँ पर आप आगे पढ़ोगे कि डिमांड कर, तो वहाँ ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है। उसके बाद है डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट, की यहाँ पर आप इजी गोइंग इस मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। अगर आपका ये ऑलिगोपोली मार्केट है तो इसमें एंट्री पर भी बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है और यहाँ से बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा बाउंडेशन, आप खुद ही बाहर नहीं निकल पाओगे। तो एंट्री और एग्जिट जो है वो डिफिकल्ट है। एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट क्यों है, कि ऑलरेडी जो फर्म है आप उनसे कंपटीशन फेस कर सकते हो तो उस मार्केट में एंटर हो, और बाहर निकलना इसलिए मुश्किल है, डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट। एग्जिट ऑफ फर्म है ऑनरशिप ऑन द मेजर पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आपकी खुद की जो ऑनरशिप है वो एक मेजर पार्ट पे, मैंने कहा ना ईच एंड एवरी फर्म प्ले सिग्निफिकेंट रोल, जब सिग्निफिकेंट रोल है इट मीन्स आपके प्रोडक्शन पर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो आप इजी गोइंग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप भी एक मेजर पार्ट को प्ले कर रहे हो, और इतने रिसोर्सेस को एक साथ वापस बाहर निकालना इस मार्केट से इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी आपको खुद को कोई पैटर्न राइट मिला हुआ होता है तो उस पैटर्न राइट की वजह से आप उसको नहीं छोड़ पाते हो, आपको कुछ ट्रेडमार्क मिला होता है तो ये ट्रेडमार्क की वजह से आप नहीं जा पाते हो, और कैपिटल जो होती है वो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ से बाहर इस मार्केट से नहीं निकल पाते हो। तो इस वजह से इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि एंट्री और एग्जिट इम्पॉसिबल है, इजी गोइंग ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। उसके बाद है अनसर्टेनिटी इन डिमांड कर्व, कि इसका जो डिमांड कर्व है उसमें अनसर्टेनिटी, ऑलमोस्ट आपने देखा कि डीडी का स्लोप इस टाइम का होता है, बट इसके डिमांड कर्व में अनसर्टेनिटी रहती है, कोई लेवल फिक्स नहीं होता, बिकॉज ऑलिगोपोली फर्म कैन नॉट इग्नोर द रिएक्शन ऑफ द कंपिटेटिव फर्म्स। ऐसा इसलिए होता है कि ऑलिगोपोली फर्म किसी दूसरे के रिएक्शंस को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकती, अगर दूसरे ने किसी स्टाइल का चेंज किया है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ के डिमांड में क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। जिस स्टाइल का डीडी हर आप कंपटीशन में देखते हैं वो वैसा डीडी इसमें नहीं होता है। तो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलिगोपोली।